हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जीके ऑनलाइन टेस्ट। आज का जो वीडियो है फ्रेंड, इस वीडियो में 80 क्वेश्चन का टेस्ट है। आप इस टेस्ट को पूरा जरूर दीजिएगा। ऐसा ही क्वेश्चन फ्रेंड डायरेक्ट एनटीपीसी एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, तो आप इस वीडियो को एक बार देख के जरूर जाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो मुक्त विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम स्थापना इंग्लैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा 1985 ईस्वी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इसका सही आंसर है इज्जत नगर। भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय खनन विद्यालय धनबाद में स्थित है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? फोर्ट विलियम कॉलेज फ्रेंड कोलकाता में स्थित है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने स्टैंडर्ड आयोग कब नियुक्त किया? 1917 ईस्वी में। मुगल काल में किस भाषा को रेखांकित कहा गया है? तो मुगल काल में उर्दू भाषा को रेखांकित कहा गया है। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो भारत के तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। देश के एकमात्र राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है, कौन सी राज्य है? इसका सही आंसर होगा नागालैंड। निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? तो सिंगापुर देश में तमिल एक प्रमुख भाषा है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? खड़ी बोली। त्रिपुरा की राज्य भाषा क्या है? तो त्रिपुरा की राज्य भाषा है फ्रेंड बंगला। निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृत प्रदान की है? तो जम्मू कश्मीर, इसका सही आंसर होगा। दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका प्रतिमा पुरी थी। दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? इसका सही आंसर होगा 1972 ईस्वी में। सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? इसका सही आंसर भारत होगा। यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 से शुरू हो तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य में स्थित होगा? तो वो राज्य फ्रेंड केरल में स्थित होगा। मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? तो 022 इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड रामानंद। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? इसका सही आंसर होगा 1880 ईस्वी। भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो भारत में डाक टिकट 1854 ईस्वी में जारी किया गया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? इसका सही आंसर है फ्रेंड भोपाल। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है देहरादून। राजस्थान स्थित जानवर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड
जस्ता। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो इसका सही आंसर होगा तमिल। विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? संसदीय सरकार। अनवार ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? इसका सही आंसर है पंचतंत्र। एलायंस शेयर निम्नलिखित में से किसके पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है? तो इसका सही आंसर है इंडिया एयरलाइंस। निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणधीन है? कोच्चि। भारत की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा कौन सी है? तो भारत की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा एयर इंडिया है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई है? इसका सही आंसर होगा शेर शाह सूरी ने। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है सड़क परिवहन से। पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटती है? झांसी में। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? इसका सही आंसर होगा बायोगैस। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? भूतापीय ऊर्जा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? सौर ऊर्जा। मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है? इसका सही आंसर होगा 70। निम्नलिखित किस बाघ संरक्षण स्थल से हाल ही में बाघों का गुप्त रूप से अदृश्य होने की खबर है? सरिस्का। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? त्रिकुट। नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है? बागमती नदी के। देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे? पंथी नृत्य। बेगम अख्तर का नाम किससे संबंध है? शास्त्रीय गजल व ठुमरी। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है? M.S. सुब लक्ष्मी। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है? ग्वालियर घराना। हिंदुस्तानी संगीत का घराना कौन सा नहीं है? लखनऊ घराना। ध्रुपद गायिका के लिए प्रसिद्ध घराना है? ग्वालियर घराना। पंडित भीमसेन जोशी हैं? हिंदुस्तानी गायक। गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया? मानसिंह तोमर। ऋतु वर्मा का संबंध किससे है? पंडवानी शैली से। माइकल जैक्सन संबंधित हैं? पंप संगीत से।
भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ। अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? सितार। निम्नलिखित में से एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक या गायिका है?